मजेदार चुटकुले। एक आदमी दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचा और घबराए स्वर में बोला, डॉक्टर साहब प्लीज मेरी जान बचा लीजिए। डॉक्टर, क्या हुआ? आदमी, मेरे मुंह में छिपकली घुस गई है। डॉक्टर हैरान होकर बोला, क्या? जब छिपकली तुम्हारे मुंह में घुस रही थी तब तुमने मुंह बंद क्यों नहीं किया? आदमी, गलती हो गई हुजूर, दरअसल मैंने सोचा कि पहले जो कॉकरोच मेरे मुंह में घुस गया था उसे पकड़कर वह वापस आ जाएगी। सास से परेशान होकर नई नवेली बहू दुखी होकर भगवान से बोली, बहू, हे भगवान, क्या सपना देखा था और क्या मिला? मेरी जिंदगी तो पॉपकॉर्न जैसी हो गई है, इससे तो मौत अच्छी है, उठा ले मुझे। तभी भगवान ने यमदूत को भेजा। यमदूत बोला, तुमने याद किया और मैं आ गया। बहू, अब क्या मैं ससुराल में भी गुस्सा नहीं कर सकती हूँ? नो 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 नो। पति, मुझे बीवी से तलाक चाहिए, वो बर्तन फेंक कर मुझे मारती है। जज, यह कब से हो रहा है? पति, पहले से। जज, तो अब तलाक क्यों मांग रहे हो? पति, क्योंकि अब उसका निशाना पक्का हो गया है। पत्नी ने पति से कहा, मुझे 2000 रुपये दे दो, वापस कर दूंगी। पति ने पर्स निकाला और पैसे देने लगा। तभी पत्नी बोली, अच्छा चलो 1000 दे दो सिर्फ, 1000 बाद में ले लूंगी। अगले दिन पत्नी बोली, मुझे तुमसे 1000 रुपये लेने हैं। पति ने पर्स निकाला और 1000 रुपये देने लगा। तो फिर बोली, रहने दो, मुझे 1000 देने भी तो हैं, चलो बराबर हो गए। पत्नी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। पति, क्यों जाने मन, क्या हुआ? पत्नी, तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारी रानी नाम की पहले से एक पत्नी है। पति, ससुर जी को बताया तो था कि तुझे बिल्कुल रानी की तरह रखूंगा। नो 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 नो। एक आदमी को उसका ससुर जूते से मार रहा था। राहगीर, क्यों मार रहे हो इसको? ससुर, मैंने इसको अस्पताल से व्हाट्सएप किया कि तुम बाप बन गए हो, और इसने उसको भी 50 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। एक महिला पेट्रोल पंप पर पहली बार स्कूटी चला कर गई। महिला, भैया पेट्रोल कितने लीटर है? कर्मी, मैडम 80 रुपये लीटर। महिला, ठीक ठीक लगा लो भैया, बगल वाला तो 70 रुपये लीटर ही दे रहा है। कर्मी गुस्से में, अरे मैडम जी, बगल में डीजल की मशीन है।